अंडा दिया अपना उतार दो तो सारी हड्डियां कौन सा रहेगा ये लोग। समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, जहां भरे मंच पर मौर्य ने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर कोई भी शर्म से सिर झुका ले। दरअसल बीजेपी पर हमलावर होते हुए मौर्य ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों के घी खाकर पेट मोटे हो गए हैं और मैं 6 बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुका हूँ। भाषा की मर्यादा लांघते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके आगे जो बात कही वो बताने लायक भी नहीं है, इसलिए आप ही सुन लीजिए। ये चपोड़ी पूरी खाते खाते पूरी शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ ले चुके, 3 बार नेता प्रतिनिधि रहे उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। अभी मैं अंडा दिया अपना उतार दो तो सारी हड्डियां कौन सा रहेगा गिन लोगे। अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की पसली हर पसली आप गिन लोगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मऊ पहुंचे थे। यहां मौर्य ने योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और बुलडोजर नीति की कड़ी आलोचना की। एक वर्ग विशेष पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि ये परंपरा आगे आने वाले समय में उनको बहुत भारी पड़ेगी। सत्ता में आने के बाद ये लोग संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्ती में आरक्षण की उपेक्षा करने की बात कही। क्या बुलडोजर गरीबों के घर पर चलेगा? एक जाति विशेष के घर पर चलेगा? एक वर्ग विशेष के घर पर चलेगा? एक विशेष संप्रदाय के घर पर चलेगा? अंधा वाके रेवड़ी अपन अपन का दे, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। लोकतंत्र में बहुत सी सरकारें आई और चली गई। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ईडी और CBI के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। रामचरितमानस के दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि जो रामचरितमानस में वर्णित चौपाई है उसी का उल्लेख किया। वहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान को मौर्य ने सिर्फ दिखावा बताने की बात कही। रामचरितमानस के बयान के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया और हमारा सिर काटने के लिए इनाम रख दिया गया। तब कहा गया था योगी का कानून, तलवार से जन्मदिन पर केक काटने वाले लड़के के खिलाफ योगी ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल में डालने का आदेश दिया, जबकि हमारा सिर काटने के लिए 5 लाख की तलवार मंगाई गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई 5 लाख की तलवार मंगाया है सिर काटने के लिए, कोई 51 करोड़ की सुपारी दे रहा है, कोई 51 लाख की दे रहा है, कोई 21 लाख की दे रहा है, जीप काटने में कोई 11 लाख की दे रहा है, हाथ पांव नाक काटने की बात कर रहा है और शारीरिक रूप से कह रहा है, प्रेस बुला के कह रहा है, पुलिस के संरक्षण में कह रहा है। योगी बाबा कहां चला गया आपका कानून व्यवस्था? क्या गरीबों पर ही रोक जमाने के लिए आप? बेरोजगारी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सारे सरकारी विभाग बारी बारी से अदानी अंबानी और उद्योगपतियों के साथ चले जाएंगे तब सभी आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और सभी नौजवानों की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात में जितने भी सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल उनको भी उद्योगपतियों को ठेके पे चलाने के लिए दे दिया गया है, ये है गुजरात मॉडल। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लालू यादव उनकी सभी बेटियों और तेजस्वी यादव के वहाँ एक साथ ईडी और CBI की टीम गई है, ये विपक्ष के हौसले को तोड़ने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके विवादित बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघी।